बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से एचपी के लिए ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपके पास एचपी लैपटॉप है और आप चाहते हैं कि आप उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करें, उसको डाउनलोड करें। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो गाइज़, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें क्यों ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, यानी ड्राइवर्स हम क्यों इंस्टॉल करते हैं। गाइज़, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि गाइस बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब भी हम अपने सिस्टम के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद कभी कभार हमारा माउस नहीं चल रहा होता, कभी कभार हमारा लैन नेटवर्क नहीं आ रहा होता, इसके साथ साथ साउंड नहीं आ रही होती। तो इन सारे इश्यूज़ का जो हल होता है वो ड्राइवर के थ्रू ही हल होता है, यानी हम उसको ड्राइवर डाउनलोड करके, जो ड्राइवर्स होते हैं वो डाउनलोड करके इन मसलों का जो हल है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइज़, इसके लिए हमें ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लेट्स सी, अगर आपके पास एचपी लैपटॉप है उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे गाइज़, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे, विंडो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सीएमडी टाइप करके इसको रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे, राइट। जैसे हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इन्फो। तो जैसे हम यहाँ पे सिस्टम इन्फो लिखेंगे, इसको एंटर करेंगे, तो गाइज़ हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं सिस्टम के हवाले से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। इसको टॉप पे लेके चले और सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिस्टम मॉडल जो है, तो हमने यहाँ पे सिस्टम मॉडल निकालना है, ठीक है ना। सिस्टम मॉडल को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस करके हमारे पास कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। इसके बाद क्या जाएंगे आप, इसको आप ओपन करेंगे गूगल क्रोम को और सिंपली यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे और इसके सामने सिर्फ लिखे ड्राइवर, ठीक है ना। सिंपली मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ड्राइवर्स। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले जो टॉप पे आ रहा है यही लिंक hpsupport.com, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया गाइस, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं ऑप्शंस आ रहे हैं दो, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चूज करें। मेरे पास यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास कौन सा वर्जन है, तो वर्जन आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे जो है आप ऐसे लेके RUN, ठीक है ना, और यहाँ पे सिंपली आप लिखिए वेन वर, ठीक है ना। तो आप वेन वर लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन आपकी विंडो का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास लेस में कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप उनमें से अपना वर्जन वर्जन चूज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास सिर्फ यही शो रहा है, तो सिंपली मैंने विंडोज 1064 बिट को ही चूज किया और इसको मैंने सबमिट किया। तो क्या जैसे ही हमने सबमिट किया, आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल ड्राइवर्स, इस प्लस वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे बायोस, डायग्नोस्टिक, डॉक्स, फर्मवेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर ग्राफिक्स, कीबोर्ड वगैरह। सो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कभी कभार हमारे पास माउस नहीं चलता है, नेटवर्क नहीं आता, इसके अलावा हमारे पास मल्टीमीडिया की कुछ इश्यूज होते हैं। तो सिंपली फॉर एग्जांपल आपको नेटवर्क का इशू आ रहा है तो यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस लैन ड्राइवर, तो सिंपली आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ओके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन एचपी डाउनलोड एंड इंस्टॉल सेशन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो गाइस मैं नहीं चाहता डाउनलोडिंग, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आप इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप एक बार सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट करें, उसके बाद आपकी सिस्टम पे जो है ड्राइवर्स अपडेट हो जाएंगी। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।